कश्मीर न्यूज़ सर्विस प्रेजेंट। 39 से लेके 40 साल के में इस बार जो है अगस्त के सेकंड वीक ऑफ अगस्त यानी 17 तारीख को काफ़ी पारा बहुत चढ़ा है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर इतना चढ़ा है। इसका मेन रीज़न है कि इस बार लेके जुलाई और अगस्त के फर्स्ट वीक ऑफ इन पर्टिकुलर बारिश जो है खास करके कश्मीर और लद्दाख में बहुत ही कम हुआ है, बहुत ही मतलब प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल रहा है, जिसकी वजह से हवा में नमी कम थे और ड्राई स्पेल ड्राई जो है एयर ड्राई एंड हॉट एयर सर्कुलेट कर रहा है, जिसकी वजह से एकदम टेम्परेचर पारा चढ़ा है। तो ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग ये टेम्परेचर नॉट ओनली इन श्रीनगर सिटी, पूरा सेंट्रल एंड वेस्ट कश्मीर के बहुत सारे पूरा वादी कश्मीर में जो है 17 इन पर्टिकुलर हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशन जो है रहा है, जिसकी वजह से पारा रिकॉर्ड ब्रेकिंग हुआ श्रीनगर में जैसे 17 तारीख को 35.7 डिग्री सेल्सियस 17 अगस्त 2020 को रिकॉर्ड किया, जो कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइप था एस ऑफ नाउ। बट देन इसी तरह उसी दिन कुपवारा में भी काफ़ी पारा बहुत इसी तरह रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिश ये टेम्परेचर है, जैसे साउथ कश्मीर में है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में कुकरनाग लगा है, वहाँ पे भी हमारा जो स्टेशन है वहाँ पे भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर हुआ है। इसका मेन कारण वही नहीं है प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल ड्राई एंड होल्ड एयर सर्कुलेट होने की वजह से हुआ है, पर क्योंकि अभी तब मानसून भी काफ़ी सब्ड्यूड था, कोई एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं था, जिसकी वजह से ये हुआ है। लेकिन अभी थोड़ा मानसून एक्टिवेट हुआ है, मानसून एक्टिवेट होने की वजह से कल अर्ली मॉर्निंग और आज में काफ़ी जैसे बहुत सारे जगहों पे अच्छी बारिश हुआ है। हालांकि वादी कश्मीर में इतना ज़्यादा बारिश नहीं हुआ, हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बारिश हुआ है, लेकिन जम्मू रीजन में एस एक्सपेक्टेशन है पैशन भी किया था उसी तरह चंद जगहों पे हैवी टू वेरी हैवी जो मानसून शावर रिकॉर्ड भी किया है, जैसे उधमपुर में कल 111 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया गया 2-3 घंटों में, जो कि काफ़ी मतलब इंटेंस रेनफॉल माना जाता है। तो जैसे अभी प्रेडिक्शन हमारे आने वाले दिनों में यही कि कल यानी 20 और 21 को अभी मानसून तो और एक्टिव हो गए, जिसकी वजह से बारिश खास करके जो जम्मू के मैदानी इलाकों में प्लेन्स के भी कुछ जगहों पे हेवी शावर होने का संभावना है, जिसकी वजह से चंद जगहों पे मेरा लोगों से जो खास करके जो जम्मू रीजन में जो लोग बैठते हैं और जो हिली एरियाज ऑफ कश्मीर में, तो मेरा उनसे यही एक हम इसको चेतावनी नहीं बोलेंगे एक एडवाइजरी कह सकते हैं कि एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगले 2 दिन में क्योंकि बारिश भी काफ़ी हुआ है, जिसके वजह से जो जम्मू रीजन में जो स्लोप लूज सोयल है जो कुछ वल्नरेबल पॉइंट्स है वहाँ पर फ्लैश फ्लड भी आ सकता है, जैसे थोड़ा सा तेज बारिश होने से एकदम नाला जो स्लोप एरिया वहाँ पर फ्लैश फ्लड आ जाते हैं, तो इनको थोड़ा एहतियात बना के रहना बहुत ज़रूरी है जब भी आप खास करके अर्ली मॉर्निंग आवर में। तो इसके बाद कल और परसों बाकी जब कश्मीर वादी की बात करें तो कल और परसों हल्की से लेकर दरमियाने दर्जे की बारिश बहुत सारी जगहों पे होने का इम्कान है अभी के हिसाब से। जहाँ तक लद्दाख की बात करें, लद्दाख में चंद जगहों पे हल्की फुल्की बारिश का चांसेस है, खास करके करगिल डिस्ट्रिक्ट जो जंस्कर रीजन है जो कि क्लोज टू किश्तवाड़ या हिमाचल बॉर्डर पर पड़ता है, वहाँ पर भी हल्की से लेकर दरमियाने दर्जे। Thanks for watching Kashmir News Service.